झारखंड में लगातार 3 दिन हुई मूसलाधार बारिश के कारण डैमों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिस कारण निरसा विधानसभा के मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। डैमों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर केंद्रीय जल आयोग और डीवीसी के एमआरओ विभाग को मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ना पड़ा। डैमों से पानी छोड़ने के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस परिस्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर झारखंड बंगाल सीमा को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया। इधर माले कार्यकर्ताओं ने भी बंगाल से आ रही गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया, तो दोनों ही सरकारों के बीच में फिलहाल तनातनी की स्थिति बॉर्डर पर नजर आ रही है। कर रहा है, मैं जाकर के बिल्टी दिखाया वहाँ, तो बोलता है जब तक ऊपर से सीएम का नहीं आएगा तब तक हम आपका कुछ नहीं सोचेंगे आपके विषय में। ये जो गाड़ी में मेडिसिन लोड है, कहाँ से और कहाँ के लिए निकले? आगरा से लोड किए हैं, क्या बोलता है आगरा, हाँ, काशीपुर का। तो क्या कुछ बोला यहाँ प्रशासन आपको? प्रशासन कुछ नहीं बोला, बोला कि जब तक सीएम का उधर से आदेश नहीं आएगा तब तक कोई उपाय नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। किस क्षेत्र का सीएम बोला गया? बंगाल का। अमित तो ऐसे যেমন তারা বেরোতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি। এখন এরা হায়ার অথরিটি থেকে কথা বলে যে কাঁচা মাল যতটা আছে, ফ্রুটস অ্যান্ড মিল্ক যত আছে তার বার করার ব্যবস্থা করবে। আর অর্ডারটা আমি দেখলাম বিকাল 6টা অবধি অর্ডার আছে, আমরা 5টার সময় এখানে আসবো 500 সংখ্যাতে। যদি অর্ডার 6টা অবধি পালন না করে তারপরে আমরা নিজের মতন করব। এখন তো আমি দেখলাম যে আপনি গাড়ি ট্রাকগুলোকে বের করার চেষ্টা করলেন, তারপরে অর্ডার আমাকে দেখালো, আয় অত অবধি তো অর্ডার দেখাচ্ছিল না। হায়ার অফিসার সঙ্গে কথা বলালো, তারা বললো স্যার আমরা তো অর্ডার পালন করতে হবে, 6টা অবধি অর্ডার আছে। আমি অর্ডারও দেখলাম 6 PM। আমরা দিল্লি থেকে মাল লেকে আ রে থে কলকাতা জানা হ্যাঁ, কাল আমরা 6 বজে সে জব ইয়াহ পে পৌঁছে তো আমরা কুছ গাড়িয়া তো ওয়াপস ঘুমা দিয়া, কুছ গাড়িয়া ইয়াহ রোক কে রাখা, বলা কি পানি ছোড়নে কে কারণ সে সিএম 3 দিন কে লিয়ে বন্ধ করকে রাখা হ্যাঁ। তো আবি থোড়া দের পহলে কুছ এমএলএ সাহেব আয়ে থে বিজেপি কে, वो लोग अभी बोल के गए हैं कि 5 बजे शाम तक देखो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रहा है वो इंडिया गवर्नमेंट से, मतलब पीएम साहब से और दोनों का राज्य का सीएम से, झारखंड और बंगाल का, देखिए शाम तक वो बोले हैं कि 5 बजे तक हम लोग आते हैं फिर से। अभी कोई आशा नहीं है कि कब तक खुलेगा कोई? नहीं, अभी कोई आशा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि है, सुबह सवेरे से अभी तो इतना टाइम पर आया था वो, ऐसे भी बोल उल के गए फिर चले गए, फिर अब देखिए शाम तक ही पता चल पाएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी हम लोग झारखंड बंगाल की सीमा पर खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि हमारे पीछे जो गाड़ी की लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल का डुबुडी चेक पोस्ट है, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कल शाम से ये आदेश जारी किया कि जितने भी झारखंड की तरफ से बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं सामानों को लोड करके, उनको या तो रोक दिया जाए और या वापस झारखंड में भेज दिया जाए। ऐसा उनका आदेश इसलिए आया क्योंकि पिछले दिनों जो काफ़ी बारिश हुई थी जिसके वजह से मैथन और पंचेत डैम के विभिन्न गेटों को खोला गया था और जिस कारण पानी का जो जल स्तर था काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण गेट को खोला गया और वो पानी बंगाल की तरफ बह रहा था, जिससे नाखुश होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये आदेश जारी किया कि जब तक ये पानी रोका नहीं जाएगा, गेट को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक गाड़ियों को रोक के रखा जाए। और इसी कारण कल शाम से जो है यहाँ झारखंड बंगाल की सीमा पर बॉर्डर डुगुडी के चेक पोस्ट पर गाड़ियों को रोक दिया गया है और कुछ गाड़ियों को वापस झारखंड की सीमा में भेज दिया गया, जिस कारण काफ़ी दूर तक लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तक लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे थे बंगाल के, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से बिलोंग करते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर जो गाड़ियों की लाइन लगी उनके ड्राइवरों से मिले, उनकी हाल समाचार जाना और उनको ये आश्वासन दिया कि हम लोग वार्ता के लिए लगे हुए हैं, हो सकता है कि आज शाम को 5 बजे तक वार्ता सफल हो रही है, जाम छूट जाए। अब देखना यही होगा कि जो वार्ता होती है वो कहां तक सफल होती है, या ये जो ड्राइवर, ये जो यहां पर ड्राइवर वगैरह खड़े हुए इतनी दिन लंबी लाइनें लगी हुई हैं, या ये लोग यूँ ही बदस्तूर परेशानियों झेलने के लिए यहीं पर डटे रहते हैं। न्यूज़ 22 स्कोप के लिए निरसा विधानसभा से संदीप सर। झारखंड पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के निर्देश के बाद जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस के द्वारा किया गया। जिले के SSP किशोर कौशल ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि राज्य भर में पुलिस से जुड़े वैसे मामले जिसका निष्पादन रुका हुआ है, उनके त्वरित समाधान के लिए इसका आयोजन किया गया। नेतृत्व में ये पहल शुरू की गई है पूरे राज्य स्तर पर
और उसी संदर्भ में उसी कड़ी में आज पूर्वी सिंहभूम जिले में भी एक जिला स्तरीय जन समस्या जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर शिकायतकर्ता माइकल जोन्स ऑडिटोरियम में आए और यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे काउंटर्स पुलिस पदाधिकारियों के बना के रखे हैं, जहाँ पर आकर के वो अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और उन शिकायतों को लगातार हम लोग फॉलोअप करेंगे, जिससे कि उनको ससमय सूचना दी जा सके कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि लोग न केवल फिजिकली अपनी शिकायत को आकर के दर्ज करा सकते हैं, बल्कि एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, जिस पर वो मोबाइल पर संपर्क करके या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसपे कि उनको एक एक्नॉलेजमेंट एक प्राप्ति रसीद उनको दी जाएगी और साथ ही साथ क्या कार्रवाई की गई है इस संदर्भ में उन्हें सूचना दी जाएगी। माननीय डीजीपी साहब,